2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ था दंगा। नफरत के रंगों से इस इलाके को गया था रंगा। ऐतिहासिक है यहाँ के खाप और चौपाल, क्या है यहाँ की जनता और वोटरों के सवाल। क्यों कहते हैं इसे बीजेपी की प्रयोगशाला? क्या यही के किसान आंदोलन ने है सरकार का दम निकाला? नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। आज की चुनाव यात्रा मुजफ्फरनगर से, एक ऐसा जिला जहां पर 6 सीटें बीजेपी के पास पिछले चुनाव में तो थीं, लेकिन क्या इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन सेंध लगा पाएगा या फिर एआईएमआईएम कुछ कमाल दिखा पाएगा? बताएंगे आपको क्या सोच रही है यहाँ की जनता, क्या सोच रहे हैं यहाँ के वोटर। चलिए इस चुनाव यात्रा में। मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है जिसकी खाप पंचायत ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, यानी कि इतिहास के पन्नों में यहाँ की पंचायत के वो फैसले दर्ज हैं। मैं ऐसी ही एक इमारत में हूँ। इस इमारत का इतिहास, इसे चौपाल कहते हैं, और उसके साथ साथ 400 वर्षों से ज़्यादा पुरानी इस इमारत की खासियत है कि ये बुढ़ाना विधानसभा में तो है लेकिन खाप पंचायत की पहचान रही है। क्या खासियत है इसकी? जब भी कोई समाज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कोई बाहर से आक्रमण हुआ है, पहले अंग्रेजों के टाइम में हुआ है, मुसलमानों के टाइम में हुआ है, तो यहाँ पे सभी जाति और धर्म से ऊपर उठ के सभी लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में एकत्र हुए और फैसले लिए। जब आप खाप की बात करते हैं तो कितना महत्व देते हैं खाप को और कितनी बड़ी बात होती है? खाप तो हमारे लिए सबसे ऊपर चीज है। अगर हम खाप का भी साथ नहीं रहने के या खाप का साथ छोड़ देंगे तो हमारा तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इस बार चुनाव के मुद्दों में कैसे देखते हैं और क्या आपके लिए बड़े मुद्दे होंगे यहाँ के लोगों? हमारे लिए तो सबसे बड़े मुद्दे मेन हमारे यहाँ पे जो फसल है गन्ने का है। कैसे बदला है पूरा खाप का स्वरूप? खाप का स्वरूप अब पहले से काफी बदल गया है। पहले तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे सभी फैसला बैठ के कर लेते थे। अब जो नई जनरेशन आई है थोड़ा सा उनसे थोड़ा हटके अपना विचार करें। बदलाव आया है, परिवर्तन ही इसका नियम भी है, लेकिन इस इमारत ने अपने आप में ये हमेशा साबित किया है कि इसकी पहचान, इसका इतिहास है और भविष्य में भी इसे इसी तरह याद रखा जाएगा। मुजफ्फरनगर जिले में इस बार सारी सीटों पर AIMIM चुनाव भी लड़ेगी और जीतने का दावा भी करेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है मोहम्मद इंतजार साहब। आप उम्मीदवार भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं पार्टी से, कितना भरोसा है जीत का और किस आधार पर है? देखिए मैडम, जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं के साथ अनदेखी की गई, तो इस वक्त जो है वो समाजवादी जो है वो आरएसएस के हाथों में चल रही है और उसी की बिना पर टिकटों के बंटवारे भी किए गए हैं। आरोप लगता रहा है आपकी पार्टी पर कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, कितना कैसे देखते हैं इन सारे आरोपों? 3 सीटें हम लड़ रहे हैं तो 3 सीट में 1 सीट जो है वो हिंदू समाज को दी। अब ये देखिए मुजफ्फरनगर में 6 सीटें, 6 की 6 सीटें हिंदू समाज पर चली गई, तो आप देखिए कि कौन किस तरह की राजनीति करते हैं। हम सब समाज की राजनीति करते हैं। बात सर्व समाज की होती है लेकिन जब 6 सीटों पर जहां 40% से ज्यादा मुसलमान वोटर्स हों, उस पर अगर हिंदू कैंडिडेट्स अधिकतर पार्टी से हों, बीजेपी हो, SP RLD हो, तो कैसे देखते हैं इस वोटरों के बंटवारे को? देखिए ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह RLD का और समाजवादी का गठबंधन हुआ है, तो जिस तरह 2015 में बिहार के अंदर गठबंधन हुआ था नीतीश कुमार का और लालू यादव का, लेकिन जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार ने सरकार किसकी बनवाई? वो BJP के साथ NDA की सरकार बनवाई। तो वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है। कोई हमें वोट कटवा कहता है या कोई हमें BJP का बी टीम कहता है, वो खुद देख ले कि BJP की बी टीम कौन है और वोट कटवा कौन होंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल वोटों के बंटवारे पर राजनीति लगातार जारी है। ABP News आपको रखे आगे।